18वीं शताब्दी में दक्षिण के मजबूत शासक रहे टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। जदा एस और उसके मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने अपने को किनारे कर लिया है। आखिरकार हर साल इसकी नौबत क्यों आती है? टीपू सुल्तान को लेकर के एक पक्ष जहां उसे बलात्कारी और मंदिर तोड़ने वाला, धर्मांतरण करने वाला बताता है, वहीं दूसरा पक्ष उसे राष्ट्रवादी बताता है, मिसाइल मैन बताता है, न जाने उसके कितने गुण गाते हैं, कसीदे गढ़ते हैं। सच्चाई क्या है, मैं आपको बताऊँगा, आप भी सोचिए। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल टीपू सुल्तान को लेकर के विवाद, जो नया डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, वो 2015-16 से हुआ है, जब से वहाँ की सिद्धारमैया सरकार ने उनका जन्मदिन मनाना शुरू किया था। उसका बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन विरोध ये 2-3 सालों से ऐसे ही विरोध चला आ रहा है। अब जबकि जदा एस के एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार है, एक बार फिर उनकी जयंती मनाने को लेकर के विवाद हुआ है। आज उनकी जयंती है, सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस आखिरकार क्यों जयंती मना करके डिस्प्यूट पैदा करना चाहती है और बीजेपी क्यों इतना विरोध करती है। दरअसल टीपू सुल्तान के जीवन के दो पक्ष हैं। एक लेखक हुए हैं जिन्होंने, विलियम लोगान, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है मालाबार मैनुअल में कि टीपू सुल्तान बहुत ही अत्याचारी था, उसने हिंदुओं का और ईसाइयों का कत्लेआम किया था, कालीकाट में 30 हजार सैनिकों को लेकर के उतरे थे और उस दौरान बहुत ज़बरदस्त कत्लेआम हुआ था। लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में भी इस बात का जिक्र आया है, जो बुक है उसमें, कि 1,00,000 हिंदू और 70,000 ईसाइयों का उन्होंने धर्मांतरण कराया था। एक और पुस्तक आई, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि टीपू सुल्तान ने किस तरह से हिंदुओं को और महिलाओं को, बच्चों को काटा, कत्लेआम मचाया, धर्मांतरण कराया, यहाँ तक अत्याचारी था कि उसने पुरुष और महिलाओं के गले में उन्हीं के बच्चों को मार करके लटका दिया था ताकि मैसेज जाए, कोई विरोध करने का हिम्मत न जुटा सके। जबकि ये तो रहा टीपू सुल्तान के जीवन का एक पक्ष कि उन्होंने धर्मांतरण कराया। कहते ये हैं कि वो साउथ के औरंगजेब थे, उन्होंने धर्मांतरण कराया, उन्होंने मंदिर और चर्च तोड़े और न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि ईसाइयों का भी धर्मांतरण कराया। ये उनके जीवन का एक पक्ष है। टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व एवं जीवन का दूसरा पक्ष ये है कि वो राष्ट्रवादी थे और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था। विंग्स ऑफ फायर, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू सुल्तान की सेना के साथ रॉकेट की पिक्चर देखी थी और उसका उन्होंने बाकायदे जिक्र किया है। तो कहा यह जाता है कि टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने उस जमाने में रॉकेट का ईजाद कर लिया था और उसका इस्तेमाल करते थे, लिहाजा वो टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा आगे थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि टीपू सुल्तान ने जो कत्लेआम की बात आती है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है और उन्होंने मालाबार में जब विद्रोह हुआ था उस समय कुछ वहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई थी। तो इस ये जो है दो तरह की विचारधारा है और जो तीसरी विचारधारा है, मुझे लगता है कि जो निष्पक्ष होकर के देखने की कोशिश करती है, वो शायद उसका मानना ये है कि दोनों तरह की बातें रही हैं और इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर में टीपू सुल्तान को लेकर जो कर्नाटक में राजनीति हो रही है, समर्थन मतलब कि हर हाल में उनका जन्म दिवस मनाया जाना है, दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है। तो जब सिद्धारमैया सरकार में थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब तो जेडीएस के मुख्यमंत्री हैं, तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और निश्चित रूप से वोट बैंक को ध्यान में रख करके किया था। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।